नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार। मैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूं और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पौध संरक्षण है। आज आपको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो कि चार पोल लॉट है उसके बारे में बताएंगे। यह बीमारी जो है मेट्रोफोमिया फंगस से होता है और इसमें क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है चार पोल, जैसे कि जो पौधा है हमारा काला हो जाता है। तो इस बीमारी का संक्रमण नवजात पौधों में हो जाता है जब पौधे शुरुआती दौर में रहते हैं, मतलब एक महीने के, और जब इसको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, सुटेबल क्लाइमेट मिलता है जो कि इसको फेवर करता है, तो उसमें इसके इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब भी जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 से 40 डिग्री के बीच में हो तो उस केस में यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, और साथ साथ अगर इस बीच में एक बारिश आ जाए या ड्रिजल आ जाए तो यह बीमारी से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यह जो बीमारी है यह बीज जनित है तथा ये सॉइल बॉर्न भी है, तो इसलिए इसका रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जब पौधे मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जब उसमें फलियाँ बनने लग जाती हैं, तो उस समय ये पौधे सूख जाते हैं, और जब उस टाइम आप ये देखेंगे कि जो हमारा पौधा है तो इसके तने को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें असंख्य ब्लैक कलर के काले स्क्लेरोसिया दिखेंगे। तो ये इस बीमारी की बहुत ही खास पहचान है। इसके साथ साथ जो हमारा रूट पोर्शन है या जो तना है, तो दोनों में आपके ऐसा है कि जो उसको आप उसका जो बाहरी आवरण है उसको अगर आप हटाएंगे तो ये पाएंगे कि वहाँ पे भी जो ब्लैक स्क्लेरोसिया है वो बहुत ही असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं।